भैया यार ये इंटरनल अपग्रेडेशन क्या है एंड यार स्पॉट राउंड क्या है, स्पॉट राउंड की आगे की इन्फॉर्मेशन बताइए। स्पॉट राउंड कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। डीएसयू का फर्स्ट ईयर यार कैसा, सारा कुछ संपूर्ण तरीके से होगा, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा डीएसयू में, हमें लास्ट राउंड तक यार कॉलेज नहीं मिला है। एंड यार आप सभी के इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आपके मन में होंगे, राइट यार। इसको सॉल्व करने के लिए यह वीडियो कम्प्लीट देख लेना, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आज के वीडियो में आपको कम्प्लीट मिलेगा। इंटरनल अपग्रेडेशन क्या है, हमारे स्पॉट राउंड कब है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन सभी क्वेश्चन के जवाब आज के इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएंगे। डीएसयू में आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा ये आपका डिपेंड करता है स्पॉट राउंड में आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। तो स्पॉट राउंड किस प्रकार से होगा, हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एंड यार इंटरनल अपग्रेडेशन क्या है, इन सभी क्वेश्चन के जवाब आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सकेगी, राइट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन यार आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में, आई गारंटीड यू। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सकेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यार डीएसयू के ऑफिशियल साइट पे आओगे, जैसे ऑफिशियल साइट पे आओगे dsu.ac.in, यहां पे आपको स्पॉट राउंड के यार यहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, इस पीडीएफ को ध्यान से देखना। इस पीडीएफ को कुछ इस प्रकार के 8 पन्नों का एक कुछ पीडीएफ है, इस पन्नों में बहुत ही खासियत चीजें लिखी हुई है। आप इस पन्ने को पूरा नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, लेकिन इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पन्ने को पूरा पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक करके हम बारीकी से समझेंगे। हमारे पास यार फर्स्ट जो हमारा पेज है इसमें कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर द अप्लाइंग द स्पॉट राउंड, ठीक है। स्पॉट राउंड में देखने से पहले, अप्लाई करने से पहले इसको ध्यान से समझ लेना कि स्पॉट राउंड एक्चुअल में है क्या, एंड यार किसके लिए होता है, कैसे होगा, कब होगा, इन सभी क्वेश्चन के जवाब, ठीक है। जो स्पॉट राउंड है यार वो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन बोर्ड, एकदम बोल्ड करके कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। आपको यार स्पॉट राउंड जो होगा, इंटरनल अपग्रेडेशन जो होगा, वो सारा कुछ आपका ऑनलाइन मोड होगा आपके डैशबोर्ड से। जिस प्रकार से आप फर्स्ट राउंड से लेकर थर्ड राउंड तक चलते आ रहे हो उसी प्रकार से आपका ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। सारा कुछ आपको जब तक कॉलेज ना मिलाया जाए, जब तक आपको कॉलेज ना बुलाया जाए, तब तक आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही है सबसे पहले स्पॉट राउंड की ये खासियत, ठीक है। स्पॉट राउंड लास्ट ईयर तो यार सारा कुछ वैसे स्पॉट राउंड ऑनलाइन ही होते आ रहा है सारा कुछ, लेकिन यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होता था वो ऑफलाइन ही होता था, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होगा आप सभी का यहाँ पे स्पॉट राउंड में भी, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ इतनी आप फील चॉइस करोगे, मतलब चॉइस फिलिंग आप करोगे, जिस प्रकार से आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड भी करते आ रहे हो उसी प्रकार से आपका स्पॉट राउंड के लिए भी चॉइस फिलिंग होगा। आपकी यार यहाँ पे कोर्स प्रेफरेंस फिलिंग होगी, उसी प्रकार की उसी बेसिस पे आपको यार कॉलेज मिलेगा। अगर आपको डिप्लोमा या यूजी प्रोग्राम्स करने हैं तो यार एक मैं सलाह दूंगा कि आपको यार जितने भी कोर्सेज है आपको सब भर देना है। प्लस में यार जिसको कॉलेज नहीं मिला है अपने यार जिस ब्रांच के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस ब्रांच को टॉप पे रखना, जिससे कि वो अन्यथा वो सीट जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगर उस सीट में यार अगर उस कॉलेज में आपका यहाँ पे सीट बचा होगा तो आपको डेफिनेटली वो सीट मिलेगा। फिर उसके बाद यार यहाँ पे एक शॉर्ट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको स्पॉट राउंड में जाना है तो आपको एक शॉर्ट अमाउंट देना पड़ेगा जो कि है 5,000 रुपीज, ठीक है। तो इससे पहले यार हम बात करते हैं इंटरनल अपग्रेडेशन की, इंटरनल अपग्रेडेशन है क्या, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आप सभी को यार इंटरनल अपग्रेडेशन है क्या एक्चुअल में। देखो यार आपको यार जो भी सीट मिली है, ठीक है, जो भी आपने सीट मिली है आपको फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिली है तब तो ठीक है, वेल एंड गुड, उनके लिए है अपग्रेडेशन। जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए इंटरनल अपग्रेडेशन नहीं है। इंटरनल अपग्रेडेशन अब है क्या, देखो इंटरनल अपग्रेडेशन वो अपग्रेडेशन है, मान लो जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में आपको सीट पसंद नहीं आती थी तो आप क्या कर देते थे, अपग्रेड कर देते थे कि आपको मुझे सेकंड राउंड में जाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इंटरनल अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन के आगे बस इंटरनल लगा है, इंटरनल क्यों लगा, ये स्पॉट राउंड के लिए लगा है। अब यार ये है क्या, मान लो आपको यहाँ पे सीट मिल गई है फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में किसी में भी, अगर आपने यार यहाँ पे सीट अपग्रेड नहीं करा है, मतलब कि फ्रीज नहीं करा है, सॉरी, तो आपने फ्रीज नहीं करा है एक भी सीट अभी तक एंड आपको यहाँ पे कॉलेज मिल गया है, तो अब वो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपग्रेड करना है, इंटरनल अपग्रेड करना है स्पॉट राउंड के लिए। मतलब कि भैया मुझे स्पॉट राउंड में जाना है, अगर मुझे स्पॉट राउंड में अच्छी लगी सीट तो मैं वो स्पॉट राउंड वाले ही ले लूंगा, ठीक है। तो इंटरनल अपग्रेडेशन यही चीज है, इंटरनल अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसने 7,500 रुपीज आपने पे कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी लिखी हुई है स्पॉट राउंड के लिए, मैं बता देता हूँ पांचों पॉइंट में क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है फ्रेश कैंडिडेट
जो भी है उसको 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी स्पॉट राउंड के लिए। अगर जो बंदे पहले से ही रजिस्टर्ड है, मतलब कि आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में एंड थर्ड राउंड में आपने पार्टिसिपेट कर रखा है, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, आपको कोई भी यहाँ पे ब्रांच नहीं मिली है, उसके लिए यार क्या करना है, आपको स्पॉट राउंड में जाने के लिए 500 रुपीज पे करने पे है। अब ये 500 एंड 5000 फीस में क्या अंतर है? देखो 500 रुपीज उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक DSU में रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, मतलब कि वो एकदम फ्रेश कैंडिडेट्स है, ठीक है। आप सभी क्या है, आप सभी है पहले के कैंडिडेट्स है, मतलब कि आपके रजिस्ट्रेशन कर रखी है, आपने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड भी आपने ट्राई कर रखा है, ठीक है। तो आपके लिए क्या कितनी फीस पे करनी है? 5000 रुपीज। अब ये 5000 रुपीज क्यों ले रहे हैं? देखो ये 5000 रुपीज एक मिनिमम अमाउंट है जो कि आप स्पॉट राउंड के लिए देना पड़ेगा। लास्ट ईयर तक ये कुछ 6000 के आसपास रहती थी, लेकिन आपकी बार 5000 रुपये आपने यहाँ पे करने हैं। अब यह 5000 रुपये ये आपके आगे चल के नेक्स्ट सेमेस्टर में कट हो जाएंगे, मतलब कि आपको मान लो 7500 रुपीज है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस, तो अब उसमें से 5000 रुपीज आपका कट हो जाएगा, 1500 रुपये जो भी आपका बचता होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको देना पड़ेगा। इस 5000 रुपीज की दिक्कत नहीं लेनी है, अगर आपको स्पॉट राउंड में सीट नहीं मिलती है तो आपको 5000 रुपीज ये वापस भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यार ये 5000 रुपीज ये पे करने जरूरी है आप सभी को स्पॉट राउंड के लिए। एंड फिर लिखा हुआ है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल नॉट ऑफर द सीट अराउंड थर्ड में, जिसको सीट नहीं मिली है अराउंड थर्ड तक वो स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। एंड यार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्या लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकता है जिसने यहाँ पे विड्रॉवल नहीं करी अपनी सीट को। रजिस्टर्ड कैंडिडेट वुड टुक एडमिशन बट विड्रॉवल, यार देखो स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है मुझे भैया, एंड यार मुझे अगर वो स्पॉट राउंड में लास्ट राउंड है, ठीक है, स्पॉट राउंड आपकी बार दो बार होगा, मैं नीचे चल के बताऊंगा कि आपका स्पॉट राउंड दो बार कब कब होगा, ठीक है। लेकिन यार देखो स्पॉट राउंड देखो उन बच्चों के लिए है जिसको कॉलेज चाहिए, एंड यार कॉलेज चाहिए मुझे डिप्लोमा या यूजी कोर्सेज मुझे करना है DSU के फर्स्ट ईयर में, ठीक है। एंड यार मुझे अगर मान लो किसी भी कॉलेज अगर स्पॉट राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं क्या कर लूंगा, बाद में विड्रॉवल कर लूंगा, एंड यार जो 5000 रुपीज है प्लस में 7500 रुपीज वो दोनों बैक हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। पैसे की टेंशन तो लेने ही नहीं लेनी है आप सभी को। फिर यार यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई जो कि मैंने पहले ही बता दी आप सभी को, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है स्पॉट राउंड का वो ध्यान में रख लेना आपका यहाँ पे चीजें। देखो यार यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि ऑल द रजिस्टर जो कि अभी मैंने बताया कि 5000 रुपीज सभी को पे करने जरूरी है, सभी को जो जो स्पॉट राउंड में एडमिशन ले रहा है उन सभी को इंपॉर्टेंट है फीस पे करनी, ये कंपल्सरी फीस है 5000 रुपीज। ये क्या होगा बाद में आगे चल के स्पॉट राउंड में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्ट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर फीस, जैसे कि मैंने बताया 7000 रुपीज है जो आपका 5000 आपको पे करने पड़ेंगे, फिर 2500 के आसपास आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में बस पे करने पड़ेंगे क्योंकि 5000 रुपीज आपने पहले ही पे कर रखी है स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। तो ये एडजस्ट रहेगी, उसकी टेंशन मत करना। उसके बाद यार यहाँ पे अगर आपको विड्रॉवल भी करना है नेक्स्ट प्रोसेस में स्पॉट राउंड के बाद तो आपके 5000 रुपीज ये वापस भी हो जाएंगे, उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है, ठीक है। रिफंड भी आपको पूरी तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो ध्यान से सुन लेना स्पॉट राउंड के लिए जो कि सभी के लिए है, वही है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5000 रुपीज आपको पे करनी है। कैसे पे करनी है? ऑनलाइन ही होगा आपके डैशबोर्ड पे ही, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। एंड यार आपकी जो एडिटिंग का ऑप्शन है, एडिटिंग का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ नहीं होगा स्पॉट राउंड के लिए, कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बाद में हो जाएगा, उसके लिए टेंशन लेनी नहीं लेनी है। एंड यार आपके लिए अब जो आप स्पॉट राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग करोगे, ध्यान से सुनना जो कि बात बोलने वाला हूं, स्पॉट राउंड के लिए जो आपके यार यहाँ पे चॉइस फिलिंग करोगे वो सिर्फ मात्र एक बार होगा, वही चॉइस फिलिंग आपके सेकंड राउंड स्पॉट राउंड के सेकंड राउंड तक भी चलेगा, ठीक है। मतलब कि आपके बार मान लो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है स्पॉट राउंड फर्स्ट स्पॉट राउंड टू विल बी हेल्ड लाइक द स्पॉट राउंड 1, 2, 3 तक, जैसे कि आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक चलता था वैसे ही आपका स्पॉट राउंड 1 एंड स्पॉट राउंड 2 चलेगा, ठीक है, राइट। ये बात हमने मान ली। एंड यार फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो एडिटिंग जो आपका चॉइस फिलिंग का जो है चॉइस फिलिंग वो एक ही बार होगा, जो आप फर्स्ट राउंड में करोगे स्पॉट राउंड के फर्स्ट राउंड में करोगे आप जो एडिटिंग जो आपका यार यहाँ पे चॉइस फिलिंग वही आपका राउंड 2 के लिए भी होगा। मान लो स्पॉट राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है तो स्पॉट राउंड 2 तक आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। जो भी आगे का यहाँ पे चीज होगा, जैसे भी आपका सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही होगा, आपका जो DSU का लॉगिन पोर्टल है, ठीक है, जहां से आप बाकी का काम करते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अ फ्रेश शीट एंड कैन डिपॉजिट द 2500 रुपीज ऑनलाइन थ्रू द लॉगिन पोर्टल बिलो द डेडलाइन, ठीक है,
डेडलाइन के पहले ही आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ऑनलाइन ओनली दोस कैंडिडेट वो विल पे द बैलेंस फीस ऑफ 2500 रुपीस विल बी डन DSU एडमिशन विल बी कंफर्म एज सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट फॉलिंग अंडर द कैटेगरी 1.1 मेंशन अबव इफ द सीट नीड टू नॉट पे द 2500 रुपीस बैलेंस फी दे विल बी डायरेक्टली कंसीडर एज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जिसको पे करने के लिए कहा गया डीआर बैलेंस फी उसको पे करने पड़ेंगे, जिसको नहीं कह रहे हैं उसको पे नहीं करने के लिए कह रहे। ठीक है, यार यहाँ पे जिसको ऑप्शन आएगा 250 रुपये बनने के लिए वो पे करना, जो भी है 2500 रुपीस जिसको पे करने का ऑप्शन आएगा उसी को पे कर ले करने हैं, उसके बाद जिसको नहीं करना है उसको नहीं करता है। तो साइड इन द केस ऑफ द सीट इज कैंसिल्ड इन DSU कोई भी तरीके से अगर डॉक्यूमेंट जो आपका यार यहाँ पे 500 रुपीस था 500 रुपीस प्लस में बैलेंस फीस पे जो आपने पे करे होंगे वो सारा कुछ आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई दिक्कत आ जाती है वो भी यार यहाँ पे अगर वो अगर कैंसिल करता है अगर रिफंड करना चाहता है तो अपनी सीट वो उसके 500 रुपीस प्लस में आपकी जो बैलेंस फीस है वो सारा कुछ यहाँ पे वापस रिफंड हो जाएगा। प्लस में यार यहाँ पे एक चीज उन सभी के लिए स्पॉट राउंड में वो भी एडमिशन ले सकते हैं जिनका यार लास्ट राउंड तक या कोई भी राउंड में आपका एक चीज आया था पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन शर्ट में कैंसिल एंड अदर का, जो आप किसी भी रीजन से उनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे कैंसिल हो गया था या अदर की रीजन की वजह से वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी 5000 रुपीस पे करने जरूरी है, स्पॉट राउंड के लिए 5000 रुपीस पे करने जरूरी है, ये अपने दिमाग में डाल लो आप सभी लोग। फिर लिखा है इफ द सीट इज ऑफर्ड द कैंडिडेट इन द स्पॉट राउंड ही सीट डज नॉट एक्सेप्ट इट बाय द पेइंग सीट एक्सेप्टेशन फीस एप्लीकेशन हिज ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ द फीस रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, वो ये कि आपको सीट अगर नहीं मिलेगी ना स्पॉट राउंड में आपकी ये जो फीस है 5000 रुपीज प्लस में आपकी जो 7500 रुपीज आपने जो पहले पे कर रखे वो सारा कुछ वापस हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसमें लिखा हुआ है नो चॉइस चेंजेस अलाउड ड्यूरिंग द स्पॉट राउंड, जैसे कि मैंने बताया स्पॉट राउंड के लिए आपको कोई भी यहाँ पे चॉइस बार बार नहीं पे करने पड़ेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट स्पॉट राउंड टू सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट विल बी रन आफ्टर द क्लोज ऑफ राउंड वन। अब सेकंड राउंड कब होगा, स्पॉट राउंड फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद स्पॉट राउंड का जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वैसे ही सेकंड प्रोसेस भी होगा सेम, बस स्पॉट राउंड फर्स्ट खत्म होने के बाद स्पॉट राउंड सेकंड स्टार्ट होगा। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल द स्पॉट राउंड टू तक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया जा रहा हूं कि आपकी बार स्पॉट राउंड टू भी होगा स्पॉट राउंड वन भी होगा आप सभी का। अब यार ये शेड्यूल है कुछ स्पॉट राउंड की जो आपका यहाँ पे है। ठीक है यार, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल अपग्रेडेशन। अब इंटरनल अपग्रेडेशन जैसे कि मैंने बताया अगेन द वैकेंट सीट्स, अगर आपने फीस आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल गया है, ठीक है, आपने फीस भी पेमेंट कर ली है लेकिन आपको फ्रीज नहीं करी है सीट आपने, तो उसके लिए 18 नवंबर तक आपने टाइम है। इंटरनल अपग्रेडेशन अगर करनी है तो कर लो, यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो आपको डैशबोर्ड में ही आ जाएगा। ठीक है, बिफोर द डिस्प्लेइंग द वैकेंट सीट ऑफ द स्पॉट राउंड देयर विल बी अपग्रेडेशन ऑफ द एडमिटेड कैंडिडेट अगेंस्ट द वैकेंट सीट, जैसे कि मैंने बताया। जैसे कि आप स्पॉट राउंड के यहाँ पे ऑप्शन आने से पहले स्पॉट राउंड के वैकेंट सीट आने से पहले आपके पास अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन आएगा, वहां से आपको क्या करना है वहां पे कर देना है। लेकिन नो फ्रेश अलॉटमेंट विल बी ड्यूरिंग द दिस अपग्रेडेशन, फ्रेश कैंडिडेट्स यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 18 तारीख तक आपको ये करनी है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्त वो डॉट अपग्रेडेशन, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो इंटरनल अपग्रेडेशन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 20 नवंबर तक चलेगा शाम 5 बजे तक। फिर द चांस टू क्लियर द डेफिशिएंसी ऑफ द अपलोडिंग द न्यू डॉक्यूमेंट विजिटिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर्सनली। यार देखो यहाँ पे फिर उसके बाद जो भी आपका डेफिशिएंसी आएगा, मतलब कि जो भी आपकी दिक्कत आएगी वो आपको 22 नवंबर तक यहाँ पे रहेगा। आपको अगर ऑनलाइन भी अपलोड करना पड़ेगा या तो आप विजिटिंग करके पर्सनली वहाँ पे कॉलेज में जाके आप वहाँ पे वो ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है डिस्प्ले ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी ऑफ द स्पॉट राउंड में कितनी सीट बची है, उसकी जो सीट है वो आपके 22 नवंबर तक यहाँ पे शाम 5 बजे तक आ जाएगा आपके डैशबोर्ड में ही। ठीक है, 5 बजे तक नहीं 6 बजे तक मान के चलते हैं हम इसको वैसे ही। द फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूजी कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्लाइड एडमिशन येट टू पे द 500 रुपीज, यूजी कोर्सेज के लिए जो भी बंदे न्यू आएंगे, देखो यूजी कोर्सेज के लिए यहाँ पे छूट दे रखी है DSU ने। अगर जिस बच्चे ने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करी है 500 रुपीज के लिए, जो स्टार्टिंग से जैसे आपने एप्लीकेशन फीस भरी थी 500 रुपीज, वो भी आप पे कर सकते हैं अगर यूजी कोर्स आपको चाहिए तो। वो कब चाहिए, 22 नवंबर से 24 नवंबर तक आपके पास समय मिलेगा। यहाँ पे लिखा है सबमिशन ऑन द विलिंगनेस ऑफ द स्पॉट राउंड, ये सारा कुछ यहाँ पे होगा। फिर 500 रुपीज भी आपको इसी दौरान आपको पे करने पड़ेंगे 22 से 24 नवंबर तक। फिर आपका यार ECA एट द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, या जो आपके ECA वाले बंदे थे जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वाले बंदे थे, वो 25 नवंबर तक आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा एट द्वारका कैंपस में। ठीक है, फिर आपका जो स्पॉट राउंड का फर्स्ट रिजल्ट आएगा, फर्स्ट स्पॉट राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 28 नवंबर को आएगा 6 बजे तक। 5 बजे तक यहाँ पर टाइम लिखे हुए, लेकिन
कि हम एक घंटा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हमेशा की तरह। फिर आपका पेमेंट ऑफ द बैलेंस फी, जो आपको पेमेंट आपने करनी पड़ेगी बैलेंस फी, अगर आपका ऑप्शन में आता है तो आपको करनी पड़ेगी 29 से लेकर 30 नवंबर तक। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नो डेफिशिएंसी विल बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डेफिशिएंसी यहाँ पे नहीं होता है, जो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो आपको 29 नवंबर तक 30 नवंबर तक आपको सीट यहाँ पे फ्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद, ठीक है। द कैंडिडेट विल नॉट बी एंटर इन द फिजिकली फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट वेर अपलोडेड ऑन द पोर्टल। देखो मैं जैसे कि बताया, जब तक आपको कॉलेज ना मिला, जब तक आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर स्पॉट राउंड का जो आपका सेकंड राउंड होगा, स्पॉट राउंड का जो सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 2 से 10 दिसंबर तक आएगा। फिर उसका बैलेंस फीस आपको 3 से 4 नवंबर तक बने पड़ेगी। फिर आगे के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो 3 से लेकर 4 बजे तक होगा आपका, ठीक है, 3-4 दिसंबर तक होगा। फिर आपका यार यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक्वायर फॉर द एडमिशन ऑफ द स्पॉट राउंड के लिए आपके ये सारी चीज़ें हैं, इसको ढंग से देख लेना। डॉक्यूमेंट वही है आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्टूडेंट आईडी कार्ड एंड यार एनओएससी का अगर आपको हो। दिल्ली रीजन के लिए आपका 85% सीट यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रजिस्टर्ड है एंड 15% यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली के लिए। अब स्पॉट राउंड आउटसाइड दिल्ली के लिए होगा या नहीं होगा? हाँ यार होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यार यहाँ पे फिर आगे का लिखा हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए यहाँ पे आपको वैलिड इनकम प्रूफ दिखानी पड़ेगी। फिर इनकम प्रूफ ऑफ द ओबीसी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। फिर रिक्वायर्ड डिफेंस के लिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे वो लिखे हुए हैं। फिर पर्सनल एंड डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये यहाँ पे लिखे हुए वो चीज़। एंड यार फिर लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ, ये शायद सभी को भरना है, एनेक्स्टर एट द सर्टिफिकेट ऑफ द डिफेंस कैटेगरी। ये सभी के लिए नहीं है, डिफेंस कैटेगरी के लिए है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये सभी के लिए भरने की कोई नहीं है, जो डिफेंस वाले बंदे हैं उन्हीं को बस और ये सिर्फ भरना पड़ेगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया था। ये थी आपकी जानकारी स्पॉट राउंड से रिलेटेड। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मत बोलना, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मत बोलना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ ग्रेट डे। एंड यार जो जो मैंने बताई है वो ढंग से देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्लो करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देख लेना बिना विदाउट स्किप करे। आई होप आपसे को सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शानदार।